टाटा मोटर्स दोस्तों देश की सबसे प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल कंपनी है। और दोस्तों पिछले साल टाटा मोटर्स ने इंडिया से अपनी कई सारी पॉपुलर कार्स को डिसकंटिन्यू किया था, जैसे कि टाटा सफारी स्टॉर्म और टाटा सुमो गोल्ड के साथ साथ कंपनी ने अपनी और भी कई सारी कार्स को डिसकंटिन्यू किया है। लेकिन दोस्तों इन सभी कार्स की जगह को भरने के लिए टाटा मोटर्स आने वाले टाइम में अपनी कई सारी नई कार्स को लॉन्च करेगी। और इस साल टाटा मोटर्स ने अपने कई सारे नए प्लस को भी लॉन्च किया है, जैसे कि टाटा अल्टो एटसेट्रा। तो दोस्तों साल की शुरुआत में टाटा मोटर्स ने अपनी एक कॉन्सेप्ट कार टाटा सियारा को भी शोकेस किया था, जिसने ऑटो एक्सपो में कई सारे लोगों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। और दोस्तों ये कार लोगों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी भी, क्योंकि ये कार कोई मामूली कार नहीं है। और दोस्तों आज के वीडियो में हम टाटा सियारा के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे एक लाइक जरूर करिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें टाटा सियारा की, क्योंकि बहुत से लोग ये नहीं जानते कि टाटा सियारा एक्चुअल में है क्या। दोस्तों टाटा सियारा भारत में बनी पहली एसयूवी कार थी जो कि फुल्ली मेड इन इंडिया थी। इस कार को टाटा मोटर्स ने साल 1991 में लॉन्च किया था, और उस टाइम टाटा सियारा में कई सारे प्रीमियम फीचर्स मिला करते थे, जैसे कि इलेक्ट्रिक पावर विंडो, एयर कंडीशनिंग, एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील और टैकोमीटर जैसे फीचर केवल मात्र टाटा सियारा में ही दिए गए थे। और ये कार एक 3-डोर 4-सीटर एसयूवी कार थी। लॉन्च के बाद इस कार के शानदार डिजाइन की वजह से ये कार पॉपुलर हुई, लेकिन कुछ ही टाइम बाद टाटा मोटर्स ने इस कार को इंडिया से डिसकंटिन्यू कर दिया। और अभी हाल ही में टाटा मोटर्स ने अपनी सियारा को इलेक्ट्रिक वर्जन में एक कॉन्सेप्ट कार के तौर पर दिल्ली ऑटो एक्सपो में पेश किया है। दोस्तों टाटा सियारा के इस इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट को भारत में नहीं बल्कि यूनाइटेड किंगडम में डिजाइन किया गया है, और टाटा सियारा के इस इलेक्ट्रिक मॉडल का कॉन्सेप्ट पुरानी टाटा सियारा पर ही बेस्ड है। तो दोस्तों अब बात करते हैं टाटा सियारा इलेक्ट्रिक की स्पेशलिटीज की। तो दोस्तों इस कार की पहली स्पेशलिटी है कि इस कार को इंडिया में नहीं बल्कि यूनाइटेड किंगडम में डिजाइन किया गया है। टाटा सियारा के इलेक्ट्रिक मॉडल को कंपनी ने टाटा मोटर्स के यूरोपियन टेक्निकल सेंटर TMETC में डिजाइन किया है, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। दोस्तों जैसे कि टाटा सियारा के ओरिजिनल मॉडल में साइड में आपको बड़े बड़े ग्लास पैनल्स देखने को मिलते थे, और टाटा सियारा इलेक्ट्रिक इससे भी ऊपर चली गई है। टाटा सियारा इलेक्ट्रिक में आपको रियर में बैक साइड और टॉप पर भी ग्लास पैनल देखने को मिलने वाले हैं, और कार के रियर में पूरा कंपार्टमेंट ग्लास का ही बना हुआ है, जिससे कि कार के रियर सीट में बैठने की फीलिंग एक अलग लेवल की होने वाली है, और कार के रियर सीट इस कार को एक प्रीमियम फील देने वाली है। दोस्तों जैसा कि आजकल मिल रही हर गाड़ी में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और डिजिटल टच स्क्रीन इंस्ट्रूमेंट सिस्टम का चलन चल पड़ा है, लेकिन दोस्तों टाटा सियारा के इलेक्ट्रिक मॉडल में आपको ना ही टच स्क्रीन इंस्ट्रूमेंट सिस्टम मिलेगी और ना ही डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस कार में मिलने वाला है। टाटा सियारा इससे नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। टाटा सियारा के इलेक्ट्रिक मॉडल में आपको एक MID पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। MID मतलब मिड रेंज इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। दोस्तों ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक टैबलेट की तरह होगा, और आप इसे अपनी जगह से मूव भी कर सकते हैं। और दोस्तों वहीं इस कार के डैशबोर्ड को और ज्यादा प्रीमियम बनाने के लिए इस कार के डैशबोर्ड के पीछे आपको एक आर्टिफिशियल गार्डन देखने को मिलेगा, जिससे कि कार के इंटीरियर में डैशबोर्ड पर एक नेचुरल फील मिलता है। दोस्तों टाटा सियारा के रियर सीट्स की बात करें तो टाटा सियारा के रियर में बी पिलर में आपको बीकॉन लाइट्स देखने को मिलने वाली हैं, मतलब इस कार के रियर सीट में आपको एम्बिएंट लाइटिंग भी देखने को मिलेगी, जिससे कि कार की रियर सीट और ज्यादा प्रीमियम बन जाएंगी। और वहीं दोस्तों टाटा सियारा में एक और खास बात यह है कि इस कार के डोर्स भी आपको मामूली नहीं देखने को मिलेंगे। टाटा सियारा इलेक्ट्रिक में आपको स्लाइडिंग डोर्स देखने को मिलने वाले हैं, और ये डोर्स टच सेंसिटिव होंगे, मतलब आप इन दरवाजों को फिंगरप्रिंट के जरिए टच से खोल पाएंगे। दोस्तों अब बात करें टाटा सियारा इलेक्ट्रिक के प्लेटफॉर्म और पावर ट्रेन की। तो दोस्तों ये कार टाटा मोटर्स की रिप्ट्रॉन प्लेटफॉर्म पर बनी होगी, और टाटा मोटर्स का रिप्ट्रॉन प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए एक माना हुआ प्लेटफॉर्म है, जिसे अपनी लंबी ड्राइविंग रेंज और रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है। इसी प्लेटफॉर्म पर कंपनी ने अपनी टाटा नेक्सॉन जैसी कार्स को भी डिजाइन किया है। और वहीं दोस्तों इस कार का डिजाइन अल्फा आर्क प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगा, और कार की ड्राइविंग रेंज कंपनी ने करीब 300 किलोमीटर के आसपास क्लेम की है। और इस कार में आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी देखने को मिलने वाला है, मतलब ये कार इंजन और परफॉर्मेंस के मामले में भी एक नेक्स्ट लेवल की कार होने वाली है। तो दोस्तों ये थे टाटा सियारा के मेन फीचर। क्या दोस्तों आपको भी ये कार अच्छी लगी? अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, और साथ में डेली ऑटोमोबाइल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ रहे।